कांग्रेसी जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाफ कार्रवाई की मांग नु लेके तरने उत्ते बैठे पहलवानों नाल शनिवार नु मुलाकात की अते उन्हां प्रति समर्थन जताया। प्रियंका गांधी कर्नाटक विधानसभा चोणां विच प्रचार लई रवाना होण तों पहलां शनिवार सवेरे जंतर मंतर पहुंची। उन्होंने महिला पहलवानों नाल गलबात की अते कुछ देर उत्ते बैठे। इस दौरान राज्यसभा मैंबर रुपेंद्र हुड्डा भी उन्हां नाल आ गए। प्रियंका ने इत्थे पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं कहा, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 2 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼, ਪੰਜਾਬ। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबके बच्चे हैं। और मतलब और क्या कह रहे, ये कह रहे हैं ना कि हमारी अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना, हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आपके, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों क्यों, चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गाँव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर FIR दर्ज नहीं होता, FIR दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले।